हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैंडीज किचन एंड वीलॉग्स। तो इस वीकेंड पे हम गए थे भारत दर्शन पार्क, जो कि है पंजाबी बाग में। यहाँ पे आप मेट्रो स्टेशन मेट्रो से भी आ सकते हैं, और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पंजाबी बाग वेस्ट पड़ता है, जहाँ से ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाता है, अदरवाइज़ आप पैदल भी आ सकते हैं। पार्किंग यहाँ पे बाहर अवेलेबल है, जो कि पेड पार्किंग है, और ये मंडे को क्लोज रहता है। इसकी जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक है। तो यहीं से आप बाहर से इसका टिकट ले सकते हैं। इसका जो टिकट प्राइस है वो मंडे टू फ्राइडे तक 100 रुपीज़ है, जो कि 4 घंटे के लिए वैलिड होता है, जो नॉर्मल टिकट है। अगर आप फुल डे का टिकट लेना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम टिकट लेना पड़ता है, जो कि 150 रुपीज़ का आता है। बट सैटरडे संडे टिकट प्राइस फुल डे 150 रुपीज़ है, और बच्चों का जो है वो 75 रुपीज़ का टिकट है। बाहर से ये ई कार्ड मिलती है, इसका टिकट भी टिकट काउंटर से ही मिलता है, और ये आपको 50 रुपीज़ में हाफ एन आवर के लिए पूरा घुमाती है अंदर। तो हमने इसको ऑप्ट नहीं करा था, बिकॉज हाफ एन आवर बहुत कम होता है। इट्स बेटर कि हम पैदल ही घूमते वहाँ पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको दोनों व्यू दिखाऊंगी, दिन का और रात का, क्योंकि यहाँ पे रात में बहुत अच्छी लाइटनिंग होती है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है रात का। और आप ऐसे टाइम पर जाइए कि आप दिन और रात दोनों को ही कवर कर सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो भारत के सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये सब जो है स्क्रैप से बने हैं। जैसे कि आपने अगर वेस्ट ऑफ वंडर देखा हो, जो दिल्ली में है, ये उसके बाद ही ओपन हुआ है। पहले वेस्ट ऑफ वंडर ओपन हुआ था, इसे ओपन हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 साल ही हुए हैं इसे खुले हुए। तो इसमें आपको जितने मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे वो सारे वेस्ट से बने हुए हैं, लाइक आपके नट बोल्ट्स हो गए, बचे हुए जो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, जो आपके कार के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, ये सब उससे बना है। बट बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे, ये बैनियन ट्री है, और यहाँ पे आपको हर मॉन्यूमेंट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, लाइक ओरिजिनल वो कहाँ पे है, क्या उसकी हिस्ट्री है, और ये जो इन्होंने जो बनाया है स्क्रैप से, वो किस किस उससे बना है, वो सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। शाम को यहाँ काफ़ी अच्छी लाइटनिंग होती है, बैनियन ट्री के नीचे काफ़ी अच्छे कलरफुल फाउंटेन्स होते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप अगर यहाँ का प्लान कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा ऐसे टाइम पे जाइए कि आप दिन और रात दोनों कवर कर सके। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे 5 बजे तक अगर आप पहुँचते हैं तो 6:30 तक लाइटनिंग ऑन होती है, तो आप 5 से 6:30 बजे तक, 5 से 6, 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटे में आप पूरा दिन का कवर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, कुछ खा पी सकते हैं, और बाकी आप नाइट को भी कवर कर सकते हैं। ये हवा महल है, और इस तरीके से ही आपका दोनों ही कवर हो जाएगा, डे भी और नाइट भी। अभी हर मॉन्यूमेंट के आगे इस तरीके से आपको बैठने का स्पेस मिल जाएगा, आप यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ी देर इंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि इवनिंग में जब लाइट्स जलती हैं तो हर मॉन्यूमेंट पे जो लाइटनिंग है वो चेंज हो के आती है, तो उसमें आप 1-2 मिनट के लिए बैठ के उसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे, लाइक अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करने का शौक है या इंस्टा पे रील्स बनाने का है तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है। बट अगेन, अगर आप अपनी अच्छी फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं तो थोड़ा दिन के टाइम में जाइएगा, क्योंकि रात को क्या होता है, फ़ोटोज़ जो है वो मॉन्यूमेंट्स की तो अच्छी आती है, बट आपकी फ़ोटोज़ उतनी अच्छी नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ काफ़ी अंधेरा हो जाता है। ये है गोल गुंबज, जो कि देश का सबसे बड़ा गुंबज है, और इसके आगे वो कुतुब मीनार नज़र आ रहा है। तो मैं यही बता रही थी आपको कि आप टाइमिंग देख के जाइएगा कि दोनों आप कवर कर सके। और यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, बहुत जगह है जहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस बना रखा है, आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ आए, बच्चों ने तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। और यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं सारी जगह पे, तो आई थिंक जो लाइटिंग है वो सोलर से ही होती होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, सब सोलर पैनल्स हैं, और ये यहाँ पे जो भी लाइटिंग होती है वो सोलर सिस्टम के थ्रू ही होती है। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे आप कुतुब मीनार है, अब आप दूर से देखेंगे दिन में तो पास से तो आपको पता लगेगा कि नट बोल्ट से बने हुए हैं, बट दूर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लुक आता है। और इवनिंग में तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता, क्योंकि इतनी लाइट्स होती है, तो ओरिजिनल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। जैसे कुतुब मीनार तो लगभग सबने देख ही रखा होगा, क्योंकि ये दिल्ली में ही है,
और यहाँ पे भारत दर्शन पार्क आने से आपको भारत के जितने फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब के दर्शन यहीं पे हो जाते हैं। लगभग सब कुछ ही इन्होंने कवर कर रखा है इसमें। तो और दूसरा है यहाँ पे काफ़ी अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चों को काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है, उनके काफ़ी नॉलेज उनको मिलती है। आप उनको भला ही छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, आप उसे चार चीज़ें भी बताएंगे तो उसको एक दो चीज़ तो उसमें से याद हो ही जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कि बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिलती है, बच्चे कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं यहाँ से और इन्जॉय भी कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छा बना हुआ था ये बैठने के लिए, तो थोड़ी देर बैठे, थोड़ा खेले कूदे, तो बच्चों ने इन्जॉय किया यहाँ पे। तो यहाँ से आगे कुतुब मीनार से आगे जो नेक्स्ट आती है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो उसे ज्ञान का प्राचीन केंद्र कहा जाता है। भारत की एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है ये, काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये भी। रियल में तो अभी तक नहीं देखा है बट हाँ, तो इस तरीके से आप देख के इंजॉय कर सकते हैं। इसके आगे जो दिखाई दे रहा है आई थिंक वो मीनाक्षी टेम्पल है। यस, ये मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल जो है बहुत ही सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल उसमें जो भी उसमें कलाकारी करी हुई है बिल्कुल आपको वैसे ही व्यू आ रहा था इसमें जो इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पे जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं और बाकी उन पिक्चर्स को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि आप वहीं पे बैठे हुए हैं। फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आती हैं यहाँ की और रात को तो और भी सुंदर लगता है। और इस तरीके से यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं, ग्रीनरी है क्योंकि अभी गर्मी बढ़ गई है तो 5 बजे भी थोड़ा धूप रहती है, तो इस तरीके से शेड वगैरह लगा हुआ है, आप थोड़ा चाहे तो रेस्ट भी कर सकते हैं, तो इट्स गुड। और आगे चल के गर्मी और बढ़ जाएगी बट शाम के टाइम अच्छा है, उतनी गर्मी नहीं है अभी, अभी ठीक रहता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वेदर टू विजिट देयर। तो आगे चलते हैं, तो आगे हमारे यहाँ पे है बद्रीनाथ जी और साथ ही में है द्वारकाधीश जी। तो ये है बद्रीनाथ जी टेम्पल और बद्रीनाथ जी टेम्पल के साथ ही द्वारकाधीश जी भी है यहाँ पे, दोनों ही बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। थोड़ा आइडिया तो होगा। ये द्वारकाधीश जी मंदिर है, ये है द्वारकाधीश। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो बर्ड्स का जो नॉइस आता है, जो बर्ड्स के बोलने की आवाज़ होती है, चिड़चिड़ाने क्या बोलते हैं उसको, जो भी कहते हैं चिरपिंग होती है, वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। और जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे वो घंटियाँ भी लगी हुई हैं बजाने के लिए, तो उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आता है। और इस तरीके से कुछ ये भी सब स्क्रैप से बनाए हुए हैं, गाड़ियों के व्हील्स हो गए और स्टेयरिंग वगैरह से इस तरीके से स्क्रैप से सब कुछ बना रखा है, तो ये भी अच्छा है फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचने के लिए। और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे, और ऐसी जगहों से तो बच्चों को निकालना और मुश्किल हो जाता है। दे टुक सो मच टाइम देयर। और इसके बाद हम आते हैं रामेश्वर टेम्पल पे। तो ये है रामेश्वर मंदिर। यहाँ पे साउथ के काफ़ी टेम्पल्स हैं क्योंकि साउथ इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स, तो यहाँ पे साउथ के जितने फेमस टेम्पल हैं वो सभी कवर किए गए हैं। जगन्नाथपुरी जी है यहाँ पे, ये जगन्नाथपुरी है। अभी तो कैफेटेरिया भी है, अभी तो कुछ खाएंगे, भूख लग रही है यार। ब्रेड जगन्नाथपुरी, अब ये जो आगे चलते हैं ये है महाबत पैलेस। पहले मुझे लगा था ये ताजमहल है बट ये ताजमहल नहीं है, ये है महाबत पैलेस। काफ़ी अच्छा बना रखा है ये भी, और दूर से देखा तो ऐसे लगा ताजमहल है बट ताजमहल और इसमें थोड़ा फ़र्क है, तो इट्स गुड। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को यही लग रहा था कि ये ताजमहल है मेरी तरह। और ये है सांची स्तूप, सांची स्तूप भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इसका आप पूरा सर्कल ले सकते हैं इसमें, और साइड में पूरे स्टेयर्स लगी हुई हैं बैठने के लिए, तो आप चाहें यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल कैमरा या गोप्रो अलाउड नहीं है। ये लोग एंट्रेंस के टाइम पे चेकिंग तो नहीं करते हैं बट इनसाइड अगर आप प्रोफेशनल कैमरा या गोप्रो से शूट करते हैं
मुझे जैसे कि मैंने हाफ टाइम शूट करा तो बाद में मुझे गार्ड ने बोल दिया था कि मैम इट्स नॉट अलाउड, इनफैक्ट यहाँ पे आप पे करके या परमिशन लेके भी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। गार्ड ने बिल्कुल मना कर दिया था और उसने मेन गेट पे कॉल करके भी बोल दिया था कि ऐसा ऐसा है, आप, हमने बोला कि आप परमिशन ले दीजिए, बट उन्होंने कहा नहीं हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आधा वीडियो जो आज का है वो कैमरे से है और आधा वीडियो जो है वो आपको फ़ोन से ही देखने को मिलेगा, बट इवनिंग में फ़ोन का वीडियो भी ठीक आ जाता है, अच्छा आता है। और यहाँ पे आउटसाइड फूड अलाउ नहीं है, चेक तो कोई करता नहीं है बट लिखा हुआ इट्स नॉट अलाउड, और अंदर फूड कोर्ट है, आप फूड कोर्ट में खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये शांति स्तूप में भी देख रहे हैं कितने अच्छे से इन लोगों ने पूरा उसका जैसे भी डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ पे कलाकारी हो रखी है वो सारी बिल्कुल वैसे की वैसे ही कर रखी है। और अब तो बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं यहाँ पे जाने के लिए, और आपको ज़्यादा पूरा दिन भी नहीं चाहिए, आप शाम के टाइम जाइए, 4 घंटे इनफ रहते हैं वहाँ जाने के लिए। तो एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि बच्चे ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ वो कुछ सीखें, वरना बच्चों को एक ही चीज़ रहती है मॉल ले जाओ गेम्स खिलवा लो बस। तो ऐसी जगह पे जाएं बच्चे, उनको लेके जाओ जिससे कि वो कुछ सीखें, कुछ उनको नया देखने को मिले, वरना एवरी वीकेंड बस एक ही चीज़ रहती है गेम्स और मॉल्स, जिसको हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं आजकल, जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है क्योंकि उसकी आदत भी हो जाती है और वहाँ से कुछ लर्निंग भी नहीं होती बच्चों की। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है फूड साइकिल। फूड साइकिल ये यहाँ का फूड कोर्ट है। तो ये बेसिकली इन्होंने जो बना रखा है आप देखेंगे तो ये लाल किला है, लाल किला है और लाल किला चांदनी चौक है यहाँ पे, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली में खाने के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस तरीके से जो स्क्रैप स्कूटर्स हैं या स्क्रैप कार्स हैं वो रखी हुई हैं और उनको एज अ टेबल यूज़ कर रखा है सिटिंग के लिए, और साथ में इस तरीके से टेबल लगा रखे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। सारे बच्चे जो है यहाँ वो कार्स पे चढ़े हुए हैं, और बच्चों का नंबर नहीं आया तो वो बाद में आए थे, क्योंकि बच्चे तो देखते ही सोचते हैं कि बस ऐसी जगहों पे चले जाएं। ये यहाँ पे ग्रीन एरिया है, थोड़ा सा पार्क बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बच्चे खेल लेते हैं, आप लोग कुछ खा पी सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पूछा तो पता लगा यहाँ पे आज एक जुम्बा होने वाला है, और अभी देखते हैं आगे उसे भी। तो इस तरीके से यहाँ ये डॉल से एलिफेंट आगे टॉम वगैरह ये सब जो है मेटल का ही बना हुआ है, सब स्क्रैप से है। और आई थिंक अभी यहाँ पीछे ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कवर कर रखा है। तो ये यहाँ का मेन्यू है, यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल जाता है, आलू पराठा, पनीर पराठा, छोले भटूरे, कचौरी, स्वीट्स वगैरह। और जो प्राइस है वो आपका इट्स लाइक ठीक है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं कहूँगी मैं। छोले भटूरे हमने लिए थे, इट वॉज़ 150 रुपीज़, 150 रुपये के छोले भटूरे थे। तो 150 रुपये के छोले भटूरे आपको हल्दीराम में मिलते हैं, तो लगभग वही टाइप का प्राइस है यहाँ पे, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया था, एक छोले भटूरे लिए थे, एक कचौरी ली थी आई थिंक दाल की आलू के साथ, और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न लिए थे। तो टेस्ट अच्छा था खाने का, मैंने और भी कुछ लोगों को सुना बात करते हुए, जैसे उन लोगों ने दही भल्ले वगैरह लिए थे तो वो तारीफ़ कर रहे थे कि टेस्ट अच्छा है। तो टेस्ट अच्छा है खाने का। ये इस तरीके से इन्होंने पूरा चांदनी चौक की तरह, आप एक जगह काउंटर है वहाँ से आपको जो जो लेना है ऑर्डर कर सकते हैं, बिल ले लीजिए, और बाकी ये काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ से आप जाके अपना फूड ले सकते हैं। तो ये हमने बस पॉपकॉर्न्स लिए थे और थोड़ा बहुत छोले भटूरे और वही लिया था, तो ये ने थोड़ा बहुत यहाँ पे खाया पिया। अब यहाँ पे ये जुम्बा का जो सेशन है वो शुरू हो चुका है। ये प्यूस जैन हैं जो यहाँ पे फिटनेस और जुम्बा करवा रहे हैं, इनको आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इनकी इंस्टा आईडी है। और यहाँ पे ये फर्स्ट संडे था जो इन लोगों ने स्टार्ट किया अभी इसी वीकेंड पे, बट ही सेड कि वो लोग अगर आज रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वो लोग एवरी वीकेंड यहाँ पे आएंगे, एंड रिस्पॉन्स वॉज रियली वेरी गुड। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बड़ों ने भी बहुत इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। तो अब यहाँ हो गई है रात, तो वापस चलते हैं मेन गेट पे। तो यहाँ से अब नाइट का मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। मैं फिर से एंट्रेंस पे आ गई हूँ। एंट्रेंस पे इस तरीके से सब कुछ बना हुआ है, लाइक वसुदेवाय कुटुंबकम लिखा हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं, देख सकते हैं कितना अंधेरा है। ये शूट जो है मैंने कैमरे से करा है, एंड ये मेरा पहला शूट था जो गोप्रो से था, तो मुझे सेटिंग्स का उतना पता नहीं था, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा भी है,
बट आप देख सकते हैं अंधेरे में और भी अच्छा लग रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया इतना ही सुंदर लग रहा है। इसकी जो लाइट्स है वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहेंगी, जैसे अभी रेड थी फिर ब्लू आ गई है, इस तरीके से लाइट्स जो है चेंज होती रहती हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा जो है वो बैनियन ट्री आएगा। बैनियन ट्री पे फाउंटेन्स बहुत ही सुंदर लग रहे थे रात के टाइम। जो कलर्स आ रहा था और जो व्यू आ रहा था वो बहुत अच्छा था। आप आराम से 4-5 मिनट खड़े होके इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये गोल गुंबज आ गया है। हवा महल इसमें कवर नहीं हुआ, हवा महल में उतनी लाइट्स जल नहीं रही थी। एंड कुतुब मीनार वाज रियली लुकिंग सो गुड। इसकी जो लाइट्स है वो एक एक फ्लोर पे ऐसे रुक रुक के जलती है, पहले एक फ्लोर की फिर दूसरे फ्लोर की फिर तीसरे फ्लोर की, तो वो जो व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। या आई थिंक कुतुब मीनार में भी इतना अच्छा ऐसी लाइटनिंग नहीं हो रखी है जैसी यहाँ हो रखी है, तो बहुत सुंदर लगता है ये। अब कुतुब मीनार के बाद जब ये आता है नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ से जो शूट है वो आपको पूरा मोबाइल का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गार्ड जी ने मुझे बोल दिया था कि कैमरा अलाउ नहीं है। तो इसके बाद का सारा वीडियो जो है वो फ़ोन से ही है। ये हमारा मीनाक्षी टेम्पल है। और आप देख रहे हैं लाइट्स चेंज हो के आ रही है, तो उसका जो व्यू है वो और भी खूबसूरत लग रहा है। ये हम बद्रीनाथ जी आ गए हैं और साथ ही में द्वारकाधीश जी। ये भारत दर्शन की जो लाइट्स है ये काफ़ी अच्छी लगती है। दिन में तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लगता बट रात पे बहुत सुंदर लगता है। सारे टेंपल्स इतने सुंदर लग रहे थे रात के टाइम पे कि क्या ही बताऊँ मैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो में उतना पता नहीं लगता है। जो व्यू सामने निकल के आता है, जो खूबसूरती अपनी आँखों से देखने में होती है, वो एक अलग ही बात होती है। तो ये शांति स्तूप है और ये है मैसूर पैलेस। सॉरी, दिस इज़ नॉट मैसूर पैलेस, दिस इज़ विक्टोरिया पैलेस। ये विक्टोरिया पैलेस है और ये है हम्पी रथ। ये सब मैंने दिन में कवर नहीं किया था क्योंकि लाल किला तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, उसके बाद लाइट्स ऑन हो गई थी, तो ये सारा सिर्फ नाइट का ही व्यू आपको देखने को मिलेगा। नाउ ताजमहल आता है। ताजमहल के यहाँ पे और रात को एक चीज़ और होती है, रात को म्यूज़िक भी होता है यहाँ पे। लाइक ताजमहल में तबले का म्यूज़िक आ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था और ताजमहल बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसमें इतने तरीके की लाइट्स थी जो चेंज हो के आ रही थी और इसका जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। सात्विक पीछे हटो, सात्विक पीछे हटो। रात को नहीं पता लगता ना, लेकिन रात को कुछ नहीं पता चलता। तो दोनों टाइम आपको कराना चाहिए ना, दिन रात। तो ताजमहल तो ऐसा था कि आप यहाँ पे बस 2-3 मिनट बैठिए और आराम से इसे बैठ के एंजॉय कीजिए। इसकी जो लाइट्स थी ये जब ऐसे फ्रीक्वेंट चेंज होती है तो क्या ही व्यू आता है इसका। उसके बाद आता है मैसूर पैलेस, तो वो विक्टोरिया पैलेस था, ये मैसूर पैलेस है। मैं दोनों में कंफ्यूज हो गई थी। तो मैसूर पैलेस भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसकी भी अलग अलग ही लाइट्स थी जैसे कि सबकी हैं यहाँ पे, और हर लाइट में ऐसे लगता है कि आप अलग चीज़ देख रहे हैं क्योंकि उसका लुक इतना चेंज हो जाता है। ये है मैसूर पैलेस और शाम के टाइम रश भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये है चार मीनार, ये है चार मीनार, है ना। और चार मीनार के बाद आता है कोणार्क टेम्पल, जो मुझे सबसे सुंदर लगा यहाँ पे, सबसे इवन बेटर देन ताजमहल। ताजमहल भी अच्छा था बट कोणार्क टेम्पल का जो व्यू आता है, ये एक शॉट मैंने ट्राई किया था बीच में कैमरा से लेने का क्योंकि इसकी लाइटिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। कोणार्क टेम्पल के बाद आता है अजंता अलोरा। अच्छा, यहाँ पे ये है बुद्धा जी है। आगे ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सा वो है, जनता लोरा की पूरी वो बना रखी है यहाँ पे। इधर देख, इधर देख, ये है बुद्धा जी सोते हुए, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये
जितने भी ये सब देख रहे हैं आप, सब गियर्स वगैरह जो होते हैं कार्स के, उनसे बने हैं। इवन ये पैरेट जो है और ये सब भी स्क्रैप से ही बना रखा है, टायर से पिकॉक बना, ये टायर से पिकॉक बना रखा है इन्होंने। गिफ्ट ट्री, और ये लास्ट है यहाँ पे खजुराहो टेम्पल। तो खजुराहो टेम्पल यहाँ का जो लास्ट है, अगर आप मुड़ना चाहते हैं तो आप यहीं से खजुराहो टेम्पल से पहले बीच में रास्ता है जहाँ से आप फिर से मेन गेट पे जा सकते हैं। तो ये रात को बाहर का व्यू है यहाँ का, क्योंकि हम दिन में गए थे तो उस वक्त तो रोशनी थी, तो मैंने रात को भी कोशिश करी कि थोड़ा सा कवर किया जाए। रात को बाहर काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी लाइट्स है यहाँ पे। सो ये पूरा आज का वीडियो था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अपने रिव्यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक।